मेरा नाम है संजय सामी, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरा चैनल भी है संजय सामी फिटनेस नाम से। आज हम बात करेंगे सिंघा के बारे में। सिंघा फिट माइंड्स का चैनल है, गौरव सिंह उनका चैनल है, वो उनके वीडियोस में भी देखता हूँ फिट माइंड्स। और उन्होंने हाल ही में जो नेशनल्स में अपना परफॉर्मेंस दिया वो अच्छा नहीं दिया, लेकिन इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि 98 kg में उन्हें कम्पीट करना था, 98 kg का वेट था और उन्हें 92 kg में कम्पीट करना था। तो उसके लिए उन्होंने जो कट डाउन करा अपना, उसके लिए जो भी उनका जो 6 kg उन्होंने घटाया था, 6 kg घटाने के बाद जो उनकी बॉडी में उन्होंने अपना रीज़न बताया अपने वीडियो पे आया कि उनको 101 बुखार था, तो उस दौरान उस कंडीशन में भी वो कम्पीट कर रहे हैं वहाँ पे। और जो 247.5 का स्क्वाट अटेम्प्ट था फर्स्ट और सेकेंड में, वो दोनों फेल हो गए। और उसमें से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सिंघा को कि वो जब अपने वीडियोस में पीआर लगा रहे हैं, 300 kg की डेड लिफ्ट मारते हैं, 260 kg का स्क्वाट पीआर लगा रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप एक्चुअल में कंपटीशन में एंटर करते हैं ना, और मे बी आपको बहुत सारी ट्रैवलिंग करके आना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं, 6 kg वेट लूज़ करना एक बहुत आसान बात नहीं होती है। इस दौरान बुखार भी आ गया उनको, उस दौरान उनकी मसल्स भी वीक हो गई, उनके टेंडन लिगामेंट्स में वो जान नहीं बची थी कि जिससे वो वेट को लिफ्ट कर पाए या कुछ कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश करी और उन्होंने हार नहीं मानना चाहिए। सिंघा अभी तुम्हारी एज खुद कम है और आगे बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन आपको उसको हिम्मत और दृढ़ता से सामना करना पड़ेगा। लाइफ इतनी ईजी नहीं है जीना। आप मोटिवेशन देते हो बहुत सारे यूथ को लिफ्टिंग का, है ना, ट्रेनिंग करते हो आप, जो जुनून आपको अंदर दिखता है कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो आप उसमें, कि बहुत सारे लोग ऐसा इतना नहीं कर पाते हैं अपने, इतना आपने अचीव करा इतने उसमें कम एज में जो आपने अचीव कर रखा है वो दूसरे लोग नहीं अचीव कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि लाइफ में क्या होता है, कभी कभार पॉजिटिव्स भी आते हैं तो नेगेटिव्स भी आते हैं लाइफ में, वो नेगेटिव्स को भी अपन को डील करना है बहुत स्ट्रांग होके। बहुत सारे लोग हैं पर्सनल लाइफ से परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया में अपना काम बहुत हिम्मत और दृढ़ता से करते हैं, एक एनर्जी डेली बेसिस पे बना के रखते हैं और मोटिवेशन के साथ में हर एक दिन की शुरुआत करते हैं। तो आपको भी मैं ये कह चाहूँगा कि आप अपनी भूख को लूज़ मत करो। अपनी भूख को लूज़ करोगे तो ये जो इतने भी नेगेटिव आपके ऊपर बन रहे हैं कि वो उसका घमंड टूट गया, ऐसा नहीं हुआ है, भूख को लूज़ मत करो और आगे बढ़ो। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके आप, क्योंकि आप एक बहुत बड़े क्रिएटर हो यूट्यूब पे और आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, पसंद करने वाले लोग भी हैं, प्यार करने वाले लोग भी हैं, और वो आपको चाह रहे हैं कि अगली बार, इस बार नहीं हुआ तो आप अगली बार ट्राई करना, आपके पास मोटिवेशन से आप भरपूर होकर आओ अगली बार, और अगली बार अपना 100% दो। मैं तो ये कहूँगा कि आप अपनी होप को लूज़ मत करो, क्योंकि अभी मेरे पास इस वीडियो में इतना टाइम नहीं है कि मैं और इसको डिटेल में